देखो ये क्वेश्चन भी मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। देखो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो कह रहा है कि r पर कंटिन्यूअस होगा, r प्लस पर कंटिन्यूअस होगा, r माइनस i पर कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन। चार ऑप्शन देखो यहां पर दिए गए, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअस ऑन r। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस ऑन r प्लस। तीसरा क्या है? कंटिन्यूअस ऑन r माइनस i। फोर्थ है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन। देखो सबसे पहले हम एक काम करें, जैसे मान लो हमने x इक्वल टू कोई भी इंटीजर ले लिया, i ले लिया मान लो इन जनरल, ठीक है। x इक्वल टू i ले लिया मान लो मैंने, देखो क्या होगा, i पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस अंडर रूट ऑफ i माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर i, ठीक। तो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर i का मतलब i ही हो गया, और ये भी आई हो गया, तो आई माइनस आई 0 हो गया, तो वाई की वैल्यू आई के बराबर आ गई, है ना। तो इंटीजर पॉइंट पर देखो वाई की वैल्यू आई के बराबर आ गई, ठीक है। अब देखो निकालते हैं आई पर राइट हैंड लिमिट, आई पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो अगर हम आई के राइट में जाएंगे, अगर हम आई के राइट में जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आई के बराबर ही हो जाएगा, और यहां भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आई के बराबर ही हो जाएगा, है ना। अब एक्स बराबर आई रखो तो क्या होगा, आई प्लस अंडर रूट आई माइनस आई, देखो फिर से आई बचेगा क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ध्यान। तो राइट हैंड लिमिट भी आई हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो एक्स टेंडिंग टू आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो ध्यान दो क्या होगा, आई से कम ले रहे हैं रिजल्ट, है ना, आई से कम, ठीक है। आई से कम पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा आई माइनस वन, और प्लस देखो अंडर रूट ऑफ ये होगा एक्स माइनस, देखो यहां पर भी होगा आई माइनस वन, ठीक। अब देखो क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू आई माइनस, अब इसमें एक्स को आई पुट कर दो, अब इसमें एक्स को आई पुट कर दो, तो आई माइनस वन प्लस अंडर रूट आई माइनस आई प्लस वन, देखो ये कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ, आई माइनस वन प्लस रूट वन का मतलब वन, फिर से आई ही आ गया। मतलब कहने का ये है कि हर एक इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस है, हर एक इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, ठीक। हर एक इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इन जनरल लेके चले तो हर एक इंटीजर पर देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। आई पर चेक किया तो हर एक इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब नॉन इंटीजर वैल्यू देखें, है ना, मान लो हम कोई नॉन इंटीजर वैल्यू देखें, चेक करें उस पर कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता, ठीक। तो इसको लिखो, जैसे मिटाना है बेटा मुझे, क्योंकि नॉन इंटीजर पर अभी चेक करना है, इंटीजर पर कंटिन्यूअस है, लिख लो कंटिन्यूअस एट आई, इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट आई, इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, लिखो जल्दी से मिटाना है मुझे। अब हम कोई नॉन इंटीजर पॉइंट लेते हैं, जैसे नॉन इंटीजर पॉइंट लेते हैं, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी,
देखो अब हमने x को लिया i प्लस f, मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया i प्लस f, मतलब नॉन इंटीजर है, जिसमें से ये f 0 और 1 के बीच में है, मतलब f 0 नहीं है, f 0 नहीं है, है ना, f जो है 0 नहीं है, क्योंकि अगर f 0 हो गया फिर से i बन जाएगा, i नहीं, नॉन इंटीजर चाहिए, i प्लस f चाहिए, ठीक। देखो ये वैल्यू रखो, y क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस f अंडर रूट ऑफ, देखो i प्लस f माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस f, देखो i प्लस f का मतलब i हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस f का मतलब i, जैसे 2 पॉइंट समथिंग लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 3 पॉइंट समथिंग लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 4 पॉइंट समथिंग लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, तो इसलिए i पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर i। और देखो यहां पर भी i प्लस f रहेगा, यहां पर भी देखो i पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर i, i से i कैंसिल होगा, तो i प्लस अंडर रूट f, ये y की वैल्यू आ गई x बराबर i प्लस f पर, y की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ेंगे, देखो हम निकालें राइट हैंड लिमिट, यानी i प्लस f पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, i प्लस f पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अब देखो i के आगे जा रहे हैं, तो जब आप i के आगे जाओगे, जब आप i के आगे जाओगे, देखो i प्लस f पर राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो इसका रिजल्ट i ही होगा और इसका रिजल्ट भी i ही होगा। अब i प्लस f रखो x की जगह, देखो i प्लस अंडर रूट i प्लस f माइनस i, तो क्या हुआ बोलो, i प्लस रूट f, ये आ गया देखो अपना राइट हैंड लिमिट, है ना, ये क्या आ गया बोलो, राइट हैंड लिमिट आ गया i प्लस रूट f, ठीक। अब निकालेंगे देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, x टेंडिंग टू i प्लस f माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, i प्लस f माइनस, देखो क्या होगा, अगर आप i प्लस f माइनस निकालोगे, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ध्यान दो i प्लस f से थोड़ा सा कम, मतलब अभी भी वो i से तो ज्यादा ही होगा, जैसे मान लो मैं कहूँ 3.2 से थोड़ा सा कम, मतलब वो 3 से ज्यादा ही है, 4.5 से थोड़ा सा कम, मतलब 4 से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब i प्लस f से थोड़ा सा कम, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही रहेगा, है ना, ये हो गया i प्लस f माइनस, i प्लस f माइनस का मतलब i प्लस f पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो ये i ही रहेगा, और यहां पर देखो ये i ही रहेगा। अब अगर हम x को i प्लस f रखें, क्योंकि तो जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब भी वही पॉइंट रखते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तब भी वही पॉइंट रखते हैं, जैसे x टेंडिंग टू 1 प्लस है तब भी आप x को 1 रखोगे लास्ट में, x टेंडिंग टू 1 माइनस है तब भी आप x को 1 रखोगे लास्ट में, x को ना, जैसे x टेंडिंग टू 0 प्लस है तब भी आप x को 0 रखोगे लास्ट में, x टेंडिंग टू 0 माइनस है तब भी 0 रखोगे, तो x टेंडिंग टू i प्लस f है, तो हो गया अंडर रूट i प्लस f, है देखो x माइनस i, ठीक है, सॉरी सॉरी x माइनस i, तो i प्लस f माइनस i, i से i कैंसिल, तो क्या हुआ i प्लस रूट f, तो मतलब देखो ये राइट हैंड लिमिट आया और ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो तीनों बराबर, इसका मतलब नॉन इंटीजर पर भी कंटिन्यूअस है, है ना, तो कंटिन्यूअस हो गया r माइनस i पर, मतलब कंटिन्यूअस ऑन r माइनस i, continuous on r minus i, r minus i पर भी continuous, तो मतलब i पर भी continuous है, r minus i पर भी continuous है, इसका मतलब पूरे r पर continuous है, यानी ये function continuous on r है, that means अगर continuous on r है तो continuous on r plus b होगा, और continuous on r minus i ये चेक कर लिया, discontinuous at x equal to 1 जो गलत है, क्योंकि 1 पर continuous आ रहा है, जब हर एक इंटीजर पर कंटिन्यूअस, इसका मतलब 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ऊपर तीनों सही, ठीक, तो i पर भी कंटिन्यूअस है, r माइनस i पर भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, ठीक।
ठीक है, लिखो जल्दी सब बच्चे।